चौथी मंजिल पे जा रहे सिस्टर, और इनसाइट हमने 1% भी मिट्टी नहीं डाला सर, तो बिना मिट्टी के अब ये झाड़ सर कैसे लगा सकते हैं, जबकि बिना मिट्टी का तो कोई झाड़ लग ही नहीं सकता है। ये झाड़ कैसे लग गए बिना मिट्टी के सिस्टर, वो भी 4 फ्लोर पर झाड़ सर। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज डे 2 इन उदयपुर। अभी हम लोग टेरेस पे ही खड़े हैं, जो हमारा रूफ टॉप है रेस्टोरेंट वही पे, नाश्ता करके अभी बज रहे हैं 9:30। तो मेरे पीछे जो सिटी पैलेस है वो अभी ओपन हो गया होगा, तो नाश्ता कर लिया हम लोग, सिटी पैलेस जा रहे हैं, फिर वहाँ से बोट राइड आई गेस ओपन है। अभी नीचे हमने रिसेप्शन पे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि बोट राइड है वो शुरू है, तो बोट राइड करेंगे। तो ये जो टिकट है वो जग मंदिर के 300 रुपीज़ पर पर्सन है, और इसमें जो है कैमरा इंक्लूडेड है। तो जो सिटी पैलेस है वो 9:30 को ओपन हो जाता है, बोटिंग 10 बजे स्टार्ट होती है, तो बोटिंग की टिकट हम अंदर से लेंगे। तो ये महाराणा उदय सिंह जी है जिसने बनाया था ये पैलेस, 400 साल लगे थे बनाने में, और ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है, मैसूर जो पैलेस है उसके बाद स्वांगन रानी का महल। फिर हम लोग चलेंगे पीछे विडो रानी के पैलेस में, विडो जी सर जिसको बोलते हैं जनाना महल। स्वांगन रानी का पैलेस है जो 5 स्टोरीज का है, और यहाँ राजा और रानी दोनों साथ पैदा था, फर्स्ट पैलेस ये आता है अंदर। ये सबसे अच्छा टाइम है अगर आप आना चाहते हो, क्योंकि अभी कोई पब्लिक नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग ही महल में घूम रहे हैं। सो अगर आपको आराम से एक्सप्लोर करना है अकेले, तो सुबह जल्दी सब जब ये 9:30 खुल जाता है तभी आप आ जाओ यहाँ पे, गाइड ले लो, आपको बहुत मजा आएगा घूमने में। मूर्ति वो 400 साल पुरानी मूर्ति है। तो अभी यहाँ पे जो रूम आपको सामने दिखाएंगे हम, वहाँ पे महाराणा प्रताप के ओरिजिनल जो वेपन से 400 साल पहले यूज करते थे वो वेपन्स रखे गए। तो भैया फर्स्ट वर्क है महाराणा प्रताप का सेफ्टी कवच, उनको बोलते हैं अख्तर। आगे तो तलवार रखा है सर महाराणा प्रताप का, ओनी का ढाल है, और सर ऊपर ओनी का भाला है जो सोने का है, और इन सब का वजन मिलाकर सर 35 kg 35 किलो। भैया जब कभी भी जाते थे महाराणा प्रताप फाइट करने के लिए, तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए इसको पूरा आगे से कंफ्यूज करने के लिए, अगर सर दुश्मन का हाथी सामने से इसको दिखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ऐसा फील होगा सामने से मेरा बेबी आ रहा है, अच्छा, तो वो आती फिर उस पर अटैक नहीं करेगा अपना बेबी समझकर। तो सिस्टर फिल्म में जो थे हीरो सर बैंकिन से, तो इन्हें जो पहनता सर फिल्म में चश्मा, वही चश्मा यहाँ पर शो के लिए से लगा रखा है। अच्छा वही चश्मा, तो आप कह सकते हैं सर फिल्मी चश्मा यहाँ रखा है, गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा नहीं फिल्मी चश्मा है। अच्छा भैया सर सिस्टर यहाँ पर एक साधु महात्मा का टेंपल है, नाम था इनका प्रेमगिरी गोस्वामी जी, और सिस्टर इन्हीं की आशीर्वाद से इस पैलेस पर कभी भी अटैक नहीं। सिस्टर 99% हम कुछ ये कहते हैं कि नहाने के लिए पट्टा लगता है, पर सर इसको हम कहते हैं लखु कुंड। अच्छा, जब भी कोई नए राजकुमार जब बनते थे राजा, तब हम बनते थे इसके अंदर 1 लाख चांदी के सिक्के 1 lakh silver coins, इसलिए कहते हैं सिस्टर लखु कुंड। लखु का मतलब हो गया लाख। भैया आपने चेयर रखा है छत पर, तो जो नए राजकुमार जो बनते थे सर राजा वो बैठते थे वहाँ ऊपर, और सिस्टर वहीं से राजा बैठ कर इधर की जो होती थी आम पब्लिक और पे सिक्के थ्रो करते थे राजा बनने की खुशी में। चूना है, चूना लाइट में हाथ में नहीं आएगा सिस्टर, ये चूना है और ये मार्बल है सिस्टर, हाथ में क्यों नहीं, एक ही बना हुआ है, एक ही पत्थर का बना हुआ है, सिंगल मार्बल सर। अच्छा, लास्ट यूज हुआ 1930, उसके बाद में यूज नहीं हुआ। अच्छा भैया सिस्टर ये भी थे यहाँ के प्रिंस, नाम था चतुर सिंह बाऊजी,
लेकिन इनको राजपाट में इंटरेस्ट नहीं था सर। तो एक अच्छे कवि अब अच्छे राइटर बने। तो यहाँ पर रखा सर इनका ओरिजिनल खड़ा कौन से शर्ट पहनते थे, ओरिजिनल चेयर रखा है भैया, कौन सी कुर्सी पे ये बैठते थे और कितना सिंपल फोटो है। सही सब बनाया सेफ्टी के लिए। अच्छा, अगर इस मेल पर कोई एनिमी अटैक करता है सिस्टर, तो जो एनिमी आएंगे गर्दन झुका कर अंदर आएंगे सर। ओके, दिया दर का स्पेस छुपने के लिए कि न्याय का वाला सोल्जर रहेगा तलवार लेकर सर, और जैसे एनिमी आते जाएंगे गर्दन काटते जाएंगे। तो सिस्टर सेफ्टी के लिए इतने छोटे और इतने व्यवस्था बनाए कि एनिमी वन बाय वन आ सकता है, एक साथ दो नहीं सर, वन बाय वन। देखो कितना नैरो बंदा जा सकता है यहाँ पे। ये बाथरूम थे, अभी उसको स्टोर रूम बनाया। बालकनी, जो बालकनी अभी हमने बंद कर दिया सर, इसका पूरा व्यू हम बताएंगे आपको टॉप फ्लोर से पांचवी मंजिल से। और ये बालकनी है जो अभी बंद कर दिया, इसका व्यू कैसा होता है फिफ्थ फ्लोर से दिखाएंगे। उस वक्त में कोई ईमेल नहीं होते थे, कोई पोस्टमैन नहीं होते थे, उस वक्त में होते थे राजा जी के 10 क्यूबिक कबूतर जो पोस्टमैन का काम किया करते थे। जो पिंजरे सर आप देख रहे हैं यहाँ सभी उसी वक्त के बने हुए पिंजरे हैं, जो ब्रास के हैं, पीतल के हैं। लेकिन सर बाकी जो वॉल आप देख रहे हैं सर, ये सभी मार्बल पीस दिया है, चूना नहीं। सर शायद आपने नाम पढ़ा हो कहीं, मकराना, वहाँ का ये मार्बल है मकराना का सर, यहाँ का लोकल मार्बल जिस मार्बल से बना आगरा का ताजमहल। सर चौथी मंजिल पर आप खड़े हैं, आपके सामने लगा दिए हमने इतने बड़े बड़े झाड़, चौथी मंजिल पे झाड़ है सिस्टर। और इनसाइड हमने 1% भी मिट्टी नहीं डाला सर। तो बिना मिट्टी के आप ये झाड़ सर कैसे लगा सकते हैं, जबकि बिना मिट्टी का तो कोई झाड़ लग ही नहीं सकता है। ये झाड़ कैसे लग गए बिना मिट्टी के सिस्टर, वो भी फोर्थ फ्लोर पर झाड़ है सर। एनी आइडिया भैया सिस्टर, यहाँ मिट्टी अंदर डाल के लगाई क्या? सर सवाल मेरा ये था आपसे, हमने 1% भी मिट्टी नहीं डाला, फिर आप झाड़ कैसे लगा सकते हैं, वो भी भैया चौथी मंजिल पे झाड़ है। जब झाड़ यहाँ लगा तो रुस अंदर गया, रुस अंदर गए तो नीचे के रूम कहाँ गए? नो आइडिया सर, नो आइडिया भैया। मैं आपको बोला था फर्स्ट टाइम की आपको गाड़ी चाहिए, पहली बार ग्राउंड फ्लोर पर। वहीं से सर अब हिल, सर आप हिल को क्या बोलते हैं, टेकरी या डूंगर? किसको? डूंगर, डूंगर। तो वहीं से डूंगर शुरू हुआ है सिस्टर, तो यहाँ आकर डूंगर खत्म हुआ है। तो अभी हम लोग डूंगर के टॉप पर हम खड़े हैं। अच्छा, तो जो भी झाड़ लगे सर डूंगर के टॉप पर है, जिनकी जाड़े डूंगर के अंदर गया सर। अच्छा, और इसे कोई भी रूम या कोई भी कमरा नहीं है सर। तो इतना बड़ा और इतना चौड़ा पूरा ही डूंगर है सर। डूंगर के टॉप पर ही बना दिया स्विमिंग पूल राजाओं के नहाने के लिए। अब बोल सकते हैं भैया बाथ टब, देखो इतना बड़ा बाथ टब। तो सर आर्किटेक्ट का कमाल देखिए, डूंगर को भी बचा लिया, स्विमिंग पूल भी बना दिया और गार्डन भी बना दिया। डूंगर में वहीं का वहीं खड़ा। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं सर, ये फाउंटेन अभी लगाया है, पहले नहीं था सर। फिर यहाँ राजा रानी हॉली के दोनों में यहाँ रंग डालकर हॉली करते थे इंटरटेनमेंट के। उन दिनों में थे सर एक अंग्रेज, नाम था उनका जॉर्ज पच्चम, जो थे उस वक्त इंग्लैंड के राजा। तो भैया उन्होंने कहा था दिल्ली में एक मीटिंग और ऐलान करवाया सर कि भारत के जितने भी राजा हैं उन सभी को मेरे मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो भैया उस दिन सभी राजा गए उस मीटिंग में, लेकिन एक ये राजा ऐसे थे जो वहाँ नहीं गए। अगर सर ये वहाँ जाते हैं सर तो उनको झुक कर वहाँ पर सलाम करना पड़ता उस अंग्रेज को, और उनसे नीचे भी बैठना पड़ता हाइट में, जबकि वो अंग्रेज उनसे हाइट में सर ऊपर बैठते हैं, जो हमारी मेवाड़ की शान के खिलाफ है। सिस्टर हमारे यहाँ पर कहावत है मेवाड़ी में आज भी कि हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। इसी बात पे फेमस थे महाराणा प्रताप। जब ये बात उस अंग्रेज को पता चला सिस्टर, तो वो उनकी बहादुरी से बहुत खुश हो गए और इनके सम्मान में एज ए गिफ्ट ये चेयर और ये दो घोड़े सर, जिसका नाम था एस्पर्ट और राइट लैंड, जो दिल्ली से यहाँ इनके सम्मान में यहाँ पहुँचाया सर। अच्छा, ये दो सिल्वर बिजली के खंभे हैं,
और ये नीचे की दीवार वो यूज होती थी हाथी की फाइट के लिए जो अभी आपको दिखाएंगे। वहाँ पर बैठे ऊपर राजा सर, इसे देखा भी आप, एक लंबा दीवार आपने वॉल सब वो लंबा वॉल गया रहा। अब एक हाथी इस तरफ है सर, एक हाथी उस तरफ है और दोनों हाथी सिस्टर अपने आप को सुन से ऐसे खींच रहे हैं एक दूसरे को सर। तो इस हाथी का पांव इस वॉल पे टच हो गया, तो ये आउट हो गया, वो छिट गया। सिस्टम बोलते हैं टक ऑफ वॉल। सर इसी का ओरिजिनल पिक गया रहा आपके पीछे, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो लास्ट हुआ भैया 1951। तो इस साथी का पांव इस वॉल पे टच हो गया, तो ये आउट हो गया, वो छिट गया। सिस्टर शो में कोई टीवी नहीं होते थे, एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा खेल खेलते थे टाइम पास के लिए बस। सर ये फाइट हुआ 1951 में लास्ट, इसके बाद में नहीं हुआ सर। अब भैया सिस्टर देखिए ये प्लेस कितना बड़ा है, इसी का पूरा एरियल व्यू आ गया। सर लगता है जैसे पानी में कोई शिप खड़ा हो, कोई जहाज खड़ा हो, लाइक ए शिप। हम सर आपको यहाँ दो प्लेस घुमाएंगे, पहले हम घूमेंगे सर ये सुहागन रानी का पैलेस जो हम खड़े हैं, फिर हमको चलना है सर विडो रानी के पैलेस में। लेकिन सर इस तरफ अभी हमको आना नो एंट्री है सर। ये राजा के दो होटल्स हैं, ये होटल फतेह प्रकाश, दूसरा होटल है इनका शिव निवास। सर दोनों होटल में रूम लेकर स्टे कर सकते हैं और दोनों होटल के बीच में सर ये लोग रहते हैं अभी यहाँ पर रॉयल फैमिली, राजा रानी और राजकुमार। तो सर इस तरफ अभी हमको आना नो एंट्री है, पर सर अभी हम खड़े पैलेस में, इस वक्त हम खड़े सर अभी इस कोने में। सर देखिए झाड़ पीछे सारे, वो झाड़ अभी यहाँ पे है सर। तो अभी हमको ये पूरा पैलेस घूमना भी हमको बाकी है सर। अभी तो हाफ भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है, इतना चलना हमको बाकी है। रास्ता कितना नैरो हो गया सिस्टर, और वन बाई वन आ सकते हैं एक साथ, दो नहीं वापस आ गए सर उनके लिए गुप्त रास्ते, शॉर्टकट रास्ते जो हमने बंद कर दिए। अच्छा आप बात कर नहीं सर, अपना एक पुराना फिल्म हीरोइन है रवीना टंडन, उनका शादी हुआ था इसी बगीचे में 2004 जग मंदिर है। तो सर नाम रखा है जग मंदिर, परंतु कोई टेम्पल नहीं है सर। अच्छा, एक गार्डन है, एक रेस्टोरेंट है, एक बियर बार है। अब शिकार में क्या आप लोग सर बारह सकते हैं, सभी आप जा रहे हैं 12 बजे और इसी के अंदर आप जा रहे हैं। अभी आप जा रहे हैं तो आपको पे करना है 530, और आप शाम को जाते हैं तो पे करना है 830 पर हेड। तो सर शाम की लाइट्स ऑन करते हैं तो मज़ा शाम को ज़्यादा आता है। हाथी के दांत के बने हुए दरवाजे हैं सर। ये था राजा रानी का बेडरूम। अच्छा, ये सर उनका बेडरूम। मगर घुमर डांस हो रहा है सर, सामने राजा अलग अलग कैंपस पे पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर भैया राजा पोलो गेम खेल रहे हैं सर। तो सर कहने का मतलब राजा यहाँ पर जो काम किया करते थे उसको यहाँ पर शो कर दिए। अब भैया आप टेस्ट लेंगे, एक आप लेते हैं एग्जाम सर। अच्छा भैया ये घूमे राइटर का एक रखा है सिस्टर, वो बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, शायद आपने नाम सुना हो, श्यामल दास जी। तो सर इन्होंने इसी कमरे में बैठकर पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा, जिसका बुक का नाम रखा वीर विनोद। सो बुक आपने से मिलता है बुक शॉप में, आप बाय कर सकते हैं, उसका कॉस्ट रखा इन्होंने 4000 रुपया। सर ये इस पैलेस का टॉप फ्लोर। अब हम आ गए 5 मंजिल सर, 105 फीट की हाइट पर हम लोग आ गए, 105। अच्छा सर सिस्टर सामने जो नीचे आप जो देख रहे हैं चौक, इसको बोलते हैं भैया दीवानी आम। दीवानी आम का मतलब हो गया सर आम लोगों के लिए। अभी आगे आएगा हमारे दीवानी खास, मतलब खास लोगों के लिए।
जब भी पहले कुछ होते थे फेस्टिवल होली दिवाली तो राजा अपसेट रहते थे डांस से प्रोग्राम दिवाली हाँ तो सर यहाँ की जो होती थी रानिया सिस्टर वो यहीं से बैठकर डांस के प्रोग्राम को बाहर देखती थी सर यहाँ सभी रंगीन क्लास है यहाँ से बैठकर रानी आउटसाइड देख सकती थी पर आउटसाइड वाला कोई भी शख्स अच्छा। उनको अंदर नहीं देख सके उन्हीं सभी रंगीन क्लास लगा है ये कौन सा गेम हो सकता है सर ये कौन सा गेम हो सकता है एनी आइडिया ना ना सर ये है शतरंज चेस खेलते थे टाइम पास के लिए भैया भाई बड़े के राजाओं का वहाँ पर कंसा राजा भूखा पीते थे पास में रखा एक पिकता जब बाहर से सारी बातें करते थे तो मैंने ऊपर रखा एक पिकता ये है हमारा दीवानी आम और ये है हमारा दीवानी खास इसके बारे में हम आपको नीचे बताएंगे ये है दीवानी खास और पीछे है दीवानी आम तो सोचते हैं कि कारपेट टेबल कुर्सी बैग जो कुछ भी आप देख रहे हैं भैया सब कुछ ओरिजिनल आप देख रहे हैं तो बात अभी का है 1955 की बात है आपको ओपन करना है सिस्टर अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा आजू खुलेगा बाजू खुलेगा आपको चेक करना है तो यह टाइम मिलेगा ओनली 10 सेकंड माइंड गेम है बाहर यूज नहीं करना है सिर्फ टाइम मिला आपको 10 सेकंड लॉक मैंने खोल दिया है लॉक कैन से भी दिमाग लगाना है और गेट भैया आप देख सकते हैं हेल्प नहीं करना है सिस्टर टाइम बहुत कम रहेगा जल्दी कीजिए बोला से आपको 10 सेकंड आपका टाइम फिर भैया अब आपका टाइम शुरू है आपको दिया 10 सेकंड अंदर खुलेगा बाहर खुलेगा आजू खुलेगा बाजू खुलेगा जैसे आपकी इच्छा सर बस स्वागत आपको नहीं लगाना है मुझे लग गया ये है अंदर कुछ इसके वो भी आपको देखना है सर नहीं है शायद दरवाजा हाँ। ये डमी डोर नहीं खुलेगा पत्थर का दरवाजा हाँ, सर डमी डोर इसलिए बनवा दिया कि यहाँ पर लगे थे दोनों तरफ लकड़ी की दीवार सर यहाँ तक प्लेन दीवार जो राजा को अच्छा सर नहीं लगता था एक जैसा दिखाने के लिए डमी डोर बनवा दिया सिस्टर इधर के जितने भी राजा हैं सभी सूर्यवंशी हैं okay. तो जब कभी सर उनको बरसात के मौसम में बाहर सूर्य नजर नहीं आता था भैया तो उन कमरों में आकर इन सोने के सूर्य भगवान को वो नमन कर दिया वजन करने का रखा एक कांटा सर तो सर जिन राजा को हो गया था परणास गोपाल सिंह जी को तो जब भी आता था उनका बर्थडे तो उसमें बढ़ाकर उनका वजन चेक करते थे सर और जितना उनका वजन होता सिस्टर उतना ही वजन के बराबर जहाँ चांदी के सिक्के तोड़कर गर्भों में दान करते थे होते थे नाच गाने की तो वहाँ से राजा पट कर देखते थे डांस के प्रोग्राम को पर सिस्टर यहाँ की जो होती थी रानियाँ वो खिड़कियों से खड़ी होकर डांस के प्रोग्राम को देखती थी पर भैया खिड़की होती थी क्लोज मैं भी वही पूछ रहा हूँ खिड़की ऐसे बना है सिस्टर लोअर्स वाला ऊपर से आप नीचे देख सकते हैं नीचे वाला को ऊपर नहीं इस पर कौन खड़ा है ये दीवाने खा था ना जी हाँ, सर दीवाने और सर ये काम अभी का नहीं 1874 का काम किया हुआ सर जो टोटली बेल्जियम ग्लास से काम हाँ, किया सर कोई भी कलर यूज नहीं किया कलर फुली ग्लास अच्छा सर भैया सर ये है रसाम का टेम्पररी डाइनिंग रूम खाने खाने का कमरा है जिसको बोलते हैं सिस्टर मानक महल सर आगे चौकी गद्दी है भैया उनके खाना खाने के लिए और सर ये रूम पर एक कांच का बना है सिस्टर जो बेल्जियम ग्लास का है सर ऐसा मैंने सुना है कि जब कभी कोई रानी होती थी वीडो तो उनको इधर शिफ्ट करते थे अच्छा। और कभी कोई तो भी प्रोग्राम होगा फेस्टिवल शादी ब्याह तो उनको शामिल नहीं करते थे अच्छा। और कोई मेंस इधर नहीं आएगा सर सिर्फ लेडीज आएगी उनसे मिलने के लिए पर अभी पता है खत्म हो गया सर ये आ गया वीडियो रानी का बेडरूम जो बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी है सर चल कुछ चमक दमक नहीं है पर जो अगर सामने पलंग सर ये चांदी का पलंग है अच्छा। सिल्वर का ये बेड है ओके। तो सर यहाँ से लेकर और वहां तक पूरा बनाया होने के लिए बेडरूम आगे और पंखा गया सर चल जो चलता था कैरोसिन से इंडियन एयरलाइंस का सर इनका नाम था सिस्टर गुलाब कुंवर जी बोलते थे राज माता ज्ञान थमान का 1973 आगे सिस्टर भगवान कृष्ण का एक झोला है जब टाइम होता रानी के पास तो बड़े बड़े भगवान कृष्ण को जला दिया करते थे अभी बोलते हैं हजारा ये भी सर कॉपर का है तांबे का तो ये क्या है ये सब वो सब रहते पीने का पानी पर सभी तांबे के ये थे राजाओं के पुराने सर्वेंट क्वार्टर रूम्स
तो अभी आज सर अजय सर चार भी सीधी वो को नए काम करवाने सर तो चार साल का अभी भी काम चल रहा है। अच्छा। तो छोटा मतलब अभी लगभग चार साल पहले भाई आपको छोटे क्या है ये वॉशरूम कैसे कवर किया डूंगर का सिस्टम वो आ गया इसके अंदर डूंगर का सिस्टम दिखता भी नहीं वो चलेगा इसके इनसाइड और सर नेक्स्ट राजाओं ने इसी डूंगर के टॉप पर फिर लगाया जार चौथी मंजिल पर वो है कवर कर लिया है ये पार्ट अभी हमको पूरा भैया सभी डैमेज मूर्तियां ये वो मूर्तियां भैया जो लोगों ने अटैक में डैमेज किए बस यहाँ कभी अटैक हुआ नहीं ये मूर्ति आसपास के जिलों का है चित्तौड़ किले का है प्राणी गांव का है कुंभलगढ़ का है प्राणी मंदिरों का है जो मुझे हम लोग का गैस से हम लोग लगा कलेक्शन करते हैं अब ये जो डिपार्टमेंट है सिस्टर सब के नाम ऊपर मेंशन करते हैं सब का नाम ऊपर ही है कहते हैं कम से कम 100 साल पढ़ेंगे उनके इंस्ट्रूमेंट को गिफ्ट कर देते राजा को और अभी भी सब कुछ रेडी कंडीशन है जिसको खराब कर दूं ठीक कर लूंगा वापस कर लूंगा अभी राजकुमार से क्या कहना है राजकुमार का ये रहा उनका बचपन का फोटो सर तबला और ड्रम बजाने 2014 में इनका शादी हुआ है उड़ीसा की राजकुमारी के साथ। अच्छा भैया बिल्कुल सामने सामने तो वहाँ उनको जाना अलाउड नहीं सर बिल्कुल सामने वाला प्लेस उन्हीं का है बिल्कुल सामने वाला। अच्छा सर लाल गेट के एक फाउंटेन है अभी चल रहा है या बंद है ये राजा का पालकी ये दोनों बच्चों का पालकी और वो पीछे रानी का पालकी तो सर सिस्टर कैसे राजा कॉस्ट्यूम पहनते थे कैसे उनके हाथ के पंखे चलते थे सिस्टर कैसे लोड़ो और चेस्ट करते थे ये सब ओरिजिनल आर्टिकल से और यूजेबल आर्टिकल से लास्ट यूज हुए 1955 तक। सर ये रहा उनका कैप का स्टैंड कैप को हैंग करने के लिए सर ये उनके चेयर्स आ गए सर कपड़ा भी उसी वक्त लगा 1955 की बात है पूरा मेंटेन किया हुआ है सर ये थे उनकी एड्रेसेस जिसे हम बोलते हैं अनरखा सभी यूजेबल ड्रेस है ना सर फ्रेश एक भी नहीं ये हाथ वाला पंखा आ गया सिस्टर सर ये शॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शॉल है अरविंद सिंह जी का थोड़ा पुराना हो गया खराब हो गया तो वो गिफ्ट कर दिया म्यूजियम को ये पहन रखा है अरविंद सिंह जी ये शॉल सर ये थी इनकी मदर अरविंद सिंह जी की मदर सर इनका हो गया देहांत नाम था सर इनका सुशीला कुमारी जी जो खुद थी बीकानेर की राजकुमारी तो सर अभी का जो नलिहाल है जो मामा है जो मामी है वो बीकानेर का राज परिवार है अरविंद सिंह जी इनकी वाइफ है अभी यहाँ की रानी है विजय राजकुमारी इनकी सबसे बड़ी डॉटर है सर भार्गवी कुमारी जिनका शादी किया राजस्थान के राज परिवार में सर छोटी बेटी इनकी पद्मशाल कुमारी जिनका शादी किया आपके संत रामपुर में और थर्ड नंबर पर इनके बेटे हैं लक्ष्य राज सिंह जी जिनका शादी किया उड़ीसा की राज परिवार में तो अभी सर यहाँ के जो ऑनर्स है वो दिन इसको रैंक पर शादी ब्याह के लिए सर यहाँ लॉकडाउन से पहले एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ सर मुकेश अंबानी जी पूरा पैलेस बुक करवा दिया चार दिन के लिए पूरा ही पैलेस पूरा चार दिन के लिए सिस्टर ना आपको एंट्री दिया ना हमको एंट्री दिया सर प्लस लेक पैलेस जग मंदिर उदय विलास ट्राइडेंट लीला सब कुछ बुक करवा दिया चार दिनों के लिए सर यहाँ पे क्या था ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम किया इस पैलेस के अंदर अच्छा पर सर उन चार दिनों में सिस्टर सब खर्चा मिलाकर उन्होंने यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा भैया एक आइडिया सर सब खर्चा मिलाकर
करोड़ तो वही होगा पैसे का, कितना करोड़? 700-800 करोड़ सर। हमने मिठाई तो पढ़ा, यहाँ खर्चा क्या उन्होंने 800 करोड़ सिर्फ 4 दिनों में संगीत प्रोग्राम में। शादी किया बॉम्बे में अपने घर, वो खर्चा अलग किया। अच्छा, ये रहा अपना लास्ट और फाइनल रूम, अमर महल सिल्वर गैलरी। तो भैया सर, अभी यहाँ के जो ऑनर्स है अरविंद सिंह जी, उनकी छोटी बेटी का शादी हुआ है इसी मंडप में 7 मार्च 2011 में। पर सर शादी यहाँ नहीं हुआ था, जब अपना जो लक्ष्मी चौक है वहाँ पर शादी करते थे। अच्छा। मंडप खोल कर लेके थे वहाँ, जब शादी होकर मंडप खोला और यह लाकर वापस फिट कर दिया। तो अभी ये लास्ट और फाइनल है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब सिल्वर की है। ये जो मंडप था उस मंडप में भी जितनी चीज़ें वो सिल्वर की थी, और यहाँ भी जितने आर्टिफैक्ट्स रखे हैं वो सभी सिल्वर के। ये लास्ट स्टॉप है महल का। रूम क्या है 1.5 किलोमीटर, उसके अलावा 235 स्टेप्स। अब चढ़ कर उतर गए 235 सीढ़ियाँ, आपको पता भी चला। तो वहाँ से हम ऊपर चढ़ के गए थे और यहाँ से बाहर निकले।